फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब? थोड़ी थोड़ी सी ठंडी बढ़ने लगी है और कंबल हमें और हम कंबल को नहीं छोड़ते। और ऐसे में सुबह सुबह में एक बढ़िया सा बार मिल जाए तो कैसा लगता है। तो आज मैं नड़ियाद से, गुजरात से, पुनीता देसाई होमशेफ कुकिंग क्लासेस किचन से अमूल लाइव पेज पे आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक हेल्थी रेसिपी बच्चों को, बूढ़ों को, सबको अच्छी लगे और टेस्ट में भी सबको अच्छी लगे ऐसी एक रेसिपी बनाने वाला है जिसका नाम है ग्रेनोला बार। तो पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए हम अमूल का हनी यूज करने वाले हैं और जो पीनट बटर आता है वो भी हम यूज करने वाले हैं। ये पीनट बटर, अमूल का तिल फ्लेवर का हनी आता है तो आज हम वो लेने वाले हैं। उसके साथ में जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू आलमंड और रेजिन्स, जो मैंने ब्लैक और रेड आपको जो भी लेनी आप ले सकते हो। मिक्स बेरीज है और मैंने क्रैनबेरीज अलग से ली है, लेकिन आपके पास मिक्स बेरीज है तो आप दोनों में से एक ले सकते हो। फिर चाहिए हमें वॉलनट्स और ये जो तिल आते हैं सिसमे सीड्स, वो व्हाइट और ब्लैक दोनों आते हैं। तो अभी विंटर में वैसे बोला जाता है तिल का तेल बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, तो तिल का तेल अच्छा है। वैसे तिल भी बहुत अच्छे है, तिल का किच्चा कचरिया भी हम लोग खाते हैं तो ये भी अच्छा है। फिर हमें चाहिए डेट्स, ये मैंने 10 मधुर डेट्स ली है, जो बड़ी वाली आती है वो मधुर डेट्स ली है। और ये जो है वो सीड्स है, वैसे बाजार में मिक्स सीड्स भी मिलते हैं और आपको अलग अलग से लेने हैं तो आप अलग अलग से हाफ हाफ कप सीड्स ले सकते हो। तो ये इसमें पम्पकिन सीड्स है, फिर चिया सीड, सॉरी फ्लैक्स सीड्स है और सनफ्लावर सीड्स है। तो ये तीनों का इसमें मिक्सचर है, आपको अलग अलग लेना है तो आपको जो फ्लैक्स सीड्स है वो 2 टेबलस्पून लेना है और हाफ हाफ कप जितना आपको ये जो सीड्स है पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स देने हैं। ये बाजार में ऐसा पैक मिलता ही है, अमूल का मिलता हो तो भी मुझे पता नहीं है, तो आप अमूल का भी ले सकते हो। ग्रीसिंग सॉरी बटर जो हमें सेट करना है तो ग्रीस करने के लिए मैंने ये बटर लिया है। अमूल पीनट बटर भी यूज करने वाले हैं और ओट्स चाहिए तो आप रोल्ड ओट्स भी ले सकते हो और जो दूसरे भी ओट्स मिलते हैं वो भी ले सकते हो। मैंने ये ओट्स लिए हैं। पहले क्या करना है, सब चीजों को ड्राई रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करने के बाद हमें उसमें सब कुछ को मिक्स करना है। स्विच ऑन। वैसे मैंने एक बार तो ये रोस्ट करके ही रखा है, लेकिन आपको मैं दिखा देती हूँ कि हमें स्लो फ्लेम पे उसे अच्छी तरह से रोस्ट करना है। रोस्ट करके आप ये बनाओगे तो उसमें अच्छा सा क्रंच आएगा और ये सब बहुत हेल्दी चीज है, सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है। वैसे हम अलग अलग नहीं खा सकते, बच्चों को भी सुबह में जाना है स्कूल में तो वो भी एक वैसे ही उठा के खाते खाते भी जा सकते हैं। वैसे हम इसमें गुड़ भी नहीं यूज कर रहे, शक्कर भी नहीं यूज कर रहे। आज बिना शक्कर, बिना गुड़, बिना दूध ऐसी रेसिपी है। आज हम हेल्दी वाला अमूल का तिल फ्लेवर का हनी यूज करने वाले हैं।
इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, जो आप ओट्स वगैरह है वो जल ना जाना चाहिए, नहीं तो बहुत टेस्ट बिटर आएगा। तो ये केयर करके ही आपको रोस्ट करना है। ये टिप है कि बहुत ज्यादा आपको उसे रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो आपकी रेसिपी आपकी डिश बिगड़ सकती है। ये सब चीज बहुत महंगी आती है, तो प्लीज केयरफुली आपको प्रिपेयर करना है। वैसे मैंने एक बार रोस्ट करके रखा है, तो मैं ज्यादा रोस्ट नहीं कर रही हूँ। और ये जो आलमंड्स एंड कैश्यूज है उसको भी मैंने रोस्ट करके ही रखा है। रेजिन को रोस्ट नहीं करना है, मैंने साथ में रखा है। मैं इसके साथ ही उसे मिक्स कर लेती हूँ। ये वॉलनट्स है, उसे इतना नहीं रोस्ट करना कि उसका मॉइस्चर भी चला जाए, अपना उसका खुद का ऑयल होता है वो नहीं जल जाना चाहिए, तो उसको मैंने रोस्ट करके नहीं रखा था। तो मैं ये भी उसमें मिक्स कर लेती हूँ। वैसे ये सीड्स जो है वो क्रंची ही है, फिर भी एक बार मैं उसे उसका हल्का सा जो मॉइस्चर हो वो निकल जाना चाहिए, तो जो आप बाहर खाएंगे ग्रैनोला बार उसमें बढ़िया सा क्रंच आएगा। ये सब बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, और विंटर में तो ये सब हमें खाना ही चाहिए। ये ब्लैक और व्हाइट सीज़मिसेस को भी मैंने रोस्ट करके ही रखा था। अब ये जो डेट्स है उसे मैं अभी है, तो मैं उसे कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं वैसे ही इस पेचुला से ही उसे प्रेस कर देती हूँ, रब कर देती हूँ, तो वो अच्छी तरह से स्मैश हो जाएगी। बहुत बढ़िया मजबूत डेट्स आती है, बहुत बढ़िया डेट्स आती है। और आपके पास ये डेट नहीं है तो आप वो सिंपल वाला डेट्स आता है वो ले सकते हो, और उसको आप मिक्सी में चला लो तो भी ये अच्छी तरह से स्मैश हो जाएगी। देखो ये बढ़िया से स्मैश हो गई है। अब मैं अमूल का पीनट बटर ले लेती हूँ।
पीनट बटर वैसे हर रोज एक चम्मच जितना पीनट बटर खाना चाहिए बच्चों को, जो पढ़ते हैं वो, बच्चे लोग नहीं खाते तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके साथ में ये पैन गरम है ना, तो मैंने उसे ऐसे ले लिया है तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अभी विंटर है और फ्रिज से ही मैंने निकाला है। वैसे हनी को गरम नहीं किया जाता, लेकिन मैं अभी उसे वार्म ही कर देती हूँ। तो ये मैं 1/4 कप जितना हनी ले रही हूँ। आप 1/4 कप से 1/2 कप तक हनी ले सकते हो, जिससे जैसा बाइंडिंग चाहिए आपको वैसा। मुझे ज्यादा जरूरत लगेगी तो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। इसी के साथ मैं बेरीज को भी मिक्स कर लेती हूँ और ये जो मिक्स बेरीज है उसे भी मिक्स कर लेती हूँ। ये मैं गार्निशिंग के लिए अलग से निकाल देती हूँ। ये मिक्स बेरीज वाला भी ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आपको अलग से बेरीज बाय नहीं करनी पड़ती है। सबको दिखाई देता है, सुनाई देता है, इसमें तो कोई क्वेरी होगी ही नहीं क्योंकि ये मिक्सिंग वाला ही है, रोस्ट एंड मिक्सअप ही है। फिर भी किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। अब ये मौद और पीनट बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो इसी के साथ में ये डेट्स है उसे भी ले लेती हूँ। उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और ये हमने जो ओट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स जो कुछ हमने मिक्स किया है वो सबको मैं इसमें डाल देती हूँ। आप इसे अलग से मिक्सिंग बाउल में भी कर सकते हो। अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो मेरा पैन गरम था तो मैंने उसी में मिक्स कर दिया है। बटर अच्छी तरह से पिघला हुआ है और मध भी अच्छी तरह से। हैंड से रब करते करते उसे मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि प्रॉपर बाइंडिंग आएगा और आपको ज्यादा हनी चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपको हाथ से करोगे तो ही मालूम पड़ेगा कि ये बाइंडिंग आया है या नहीं आया। टिफिन बॉक्स में हस्बैंड जिनके बाहर जाते हैं टिफिन लेके, उन्हें भी सुबह सुबह में खाने का वक्त नहीं मिलता, तो वैसे वो भी ट्रैवलिंग में ये बार बीच बीच में खा सकते हैं। आप दोपहर की छोटी बड़ी भूख के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। और यकीन मानो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा।
ये बार एक बार जो आता है वो 80 से 100 रुपीज तक मिलता है। देखो इतना बाइंडिंग आना चाहिए। अब मुझे जरूर नहीं लगती कि मुझे मद ऐड करना है क्योंकि मैंने बटर को भी अच्छी तरह से मेल्ट किया था। फिर भी आप किसी को भी जरूरत लगे तो आप थोड़े सा हनी यूज कर सकते हो। डेट्स, हनी, बटर, ये सब कुछ अच्छी तरह से सारे जो हमारा मिक्सर है, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, सबके साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ होगा तो किसी में डेट्स के लम्स आ जाएंगे, किसी में के साथ मद ज्यादा लगेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब हम घर में बनाते हैं तो हाइजीनिक भी होता है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और कॉस्ट वाइज भी हमें बहुत अच्छा पड़ता है। मेक श्योर कि आपको बटर पेपर के साथ ही उसे सेट करना है, नहीं तो वो नीचे चिपक जाएगा और नीचे की जो सरफेस है आपकी बार की वो बिगड़ जाएगी। तो ये भी आप टिप नोट कर लीजिए कि आपको जो जिसमें भी आपको सेट करना है उसे बटर से ग्रीस करना है, उसके ऊपर फिर बटर पेपर लगाना है, उसे भी बटर से ग्रीस करना है, उसके बाद ही उसमें आपको ये सेट करने के लिए रखना है। बहुत ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरह से सेट होना चाहिए और इसे ऐसे मोल्ड में निकालने के बाद, सेट करने के बाद उसे फ्रीज में 2 घंटे सेट करना पड़ता है। तो मैंने ऐसा एक वर्जन रेडी रखा है, मैं आप सबको दिखाती हूँ, लेकिन पहले आप ये प्रोसीजर ध्यान से देख लो। ऐसी सरफेस हो, वैसा जो ग्लास हो या फिर कोई बाउल हो, उससे आपको उसे सेट करना है। लेवल अप करना है, उसके बाद में ही सेट करना है। 1 मिनट में थोड़ा हैंड वॉश कर लेती हूँ तो मुझे अच्छी तरह से सेट होने में वक्त नहीं लगेगा। ये जो बेरीज है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऊपर रखती हूँ गार्निशिंग के तौर पे, तो उसमें बहुत अच्छा कलर दिखेगा बार्स में।
वैसे हमने अंदर भी डाला ही है, लेकिन ऊपर होगा तो बच्चों को भी ये अट्रैक्ट करेगा। चिपक जाता है तो आप बटर लगा सकते हो, ग्लास या बाउल आप जो भी ले रहे हो उसमें आप बटर भी लगा सकते हो। उसे अच्छी तरह से लेवल करना है, तो इससे क्या होगा कि सब जो हमें बार्स मिलेंगे वो एक ही साइज के मिलेंगे, और जब आप उसे डिमोल्ड करोगे तो वो अलग से क्या होता है, ये ओट्स वगैरह होता है तो सब बाइंडिंग नहीं होता, तो वो भुरभुरे जैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बाइंडिंग में नहीं रहते। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें अच्छी तरह से प्रेस करके सेट करने के लिए रखना है। और आप उसे फ्रीज में 15 दिन रख सकते हो और बाहर 3 दिन तक रख सकते हो। अभी विंटर है तो वैसे बचेगा तो आप रखोगे ना, इतना बनाओगे तो बचेगा ही नहीं, बच्चे इतने शौक से खाएंगे। देखो ये लेवल अप करके रेडी है, जो मैंने सेट किया हुआ है वो दिखाती हूँ। कम से कम उसे 2 घंटे तो सेट करने को रखना ही है, तो ही अच्छी तरह से सेट होंगे। वैसे नीचे भी बटन लगाया ना तो चिपक गया है।
अभी थोड़ा सेट कम हुआ है तो ये थोड़ा टूट जाता है, लेकिन आ जाएगा सेट ज्यादा अच्छी तरह से होगा तो ये नहीं होगा। अब उसे आपको लंबे लंबे या छोटे छोटे ऐसे छोटे या लंबे आपको जैसी साइज चाहिए उस मुताबिक आपको उसके कट करना है, और उसे ऐसे जो बटर पेपर आता है उसके साथ ही रखना है। इसमें सीड्स है ना, तो आपको सेट होने के बाद ही उसे कट करना है, नहीं तो टूट जाएगा। तीन पीसेस भी कर सकते हो और चार भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, आपको कैसा साइज कैसी रखनी है वो आपको ये डिसाइड करना है। मैं अभी उसके दो पार्ट्स में ही उसे कर देती हूँ। अच्छा लगता है ना, आपको उसे अच्छी तरह से सेट होने के बाद उसे ऐसे बटर पेपर पे रैप करना है, और उसके बाद में कोई डिब्बे में एयरटाइट डिब्बे में भर के स्टोर करना है। एक रैपिंग मैं दिखा देती हूँ आपको, अभी थोड़ा सेट कम हुआ है ना तो वो टूट जाते हैं, फिर भी मैं आपको एक रैपिंग दिखा देती हूँ। रैप करके आप बच्चों को टिफिन में और कहीं भी ले जाना हो तो आप ले जा सकते हो। उसे थोड़ा सेट ज्यादा करना है हमें, तो अब मैं उसे 2 या 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूंगी। इसके लिए हमने ओट्स लिए हैं, मैंने 2 कप ओट्स लिए थे, और जो ड्राई फ्रूट थे वो सब मैंने 1/4 1/4 कप लिए थे, और जो सीड्स थे मिक्स सीड्स वो मैंने 1/2 कप, दोनों अलग से लेना है तो 1/2 कप, नहीं तो आप 1 कप जितना ले सकते हो, और फ्लैक्स सीड्स आपको अलग से ऐड करना है तो आप 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हो। फिर मैंने दोनों तिल 2 टेबलस्पून लिए हैं, हनी 1/4 कप से 1/2 कप तक लेना है, और पीनट बटर है वो 2 to 3 टेबलस्पून लेना है। पहले सबको ड्राई रोस्ट करना है, बेरीज को छोड़ देना है, और अमूल बटर और सॉरी डेट्स, मद्दूल डेट्स लिए हैं मैंने 10, उसे भी अच्छी तरह से, आपके पास मद्दूल डेट्स नहीं है तो आप सिंपल डेट्स लेके उसे मिक्सी में चर्न करके रेडी रख सकते हो। अमूल बटर और हनी को मिक्स करना है, बटर आपका फ्रिज में जमा हुआ हो तो थोड़ा सा मेल्ट कर दो, जब रोस्ट करते हो उसी पैन में आप रखोगे तो वैसे ही मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसमें डेट्स ऐड करना है, और सारे सीड्स सबको अच्छी तरह से मिलाना है, और बटर से ग्रीस की हुए जो मोल्ड है उसमें हमें उसे सेट करना है। 2 घंटे तक मुझे इसे सेट करने को रखना है। आपको ऐसा लगे कि अभी सेट नहीं हुआ है तो आप 1 घंटा ज्यादा रख सकते हो, उसके बाद कट करना है और बटर पेपर के साथ ही रखना है, तो ही ये अच्छी तरह से
नहीं तो एक दूजे में क्या होगा कि चिपक जाएंगे या सूख जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो उसे बटर पेपर में रैप करके हमें एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर करना है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं वो सब भी मुझे आप बताना। मैंने आपको एक रैप करके दिखाया है और मैं थोड़ा ऐसे इसमें भी सर्व करके दिखा देती हूँ आपको। कौन कहाँ कहाँ से जुड़े हैं और ये रेसिपी बनाने के बाद उसका रिजल्ट आपको कैसा लगता है वो भी आप शेयर करना। ये छोटे साइज के दो भी काटे, थोड़े मीडियम साइज के और एक मैंने आपको रैप करके दिखाया वो, तो आप तीनों साइज में उसे कट कर सकते हो। शशांक सर, दीपा मैम, अमूल टीम, अभिषेक सर और जो जो जुड़े हुए हैं सबको मेरी सबको दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपको आगे क्या सीखना है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, आप बनाते हो उसका रिजल्ट कैसा आता है वो भी आप लिखना। आशा रखती हूँ सबको रेसिपी अच्छी लगी होंगी। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।